खबर आ रही है पटना से, एक बार फिर यहां पर पोस्टरबाजी हुई है। जेडीयू समर्थकों ने इस बार पोस्टर लगाए हैं, तेजस्वी यादव की बेरोजगारी यात्रा पर कटाक्ष किया है इस पोस्टर के जरिए। सामाजिक न्याय की ढोंगी ने किया अति पिछड़ा के साथ आर्थिक जालसाजी। पोस्टर में लालू तेजस्वी हाईटेक बस पर सवार है। पोस्टर में बस को राक्षस के रूप में दिखाया गया है, तो बेरोजगारी यात्रा पर इसी बस से निकलने वाले हैं तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष। लेकिन उससे पहले उनकी बस को राक्षस की शक्ल दी गई है और तंज कसा गया है। सामाजिक न्याय के ढोंगी ने किया अति पिछड़ा के साथ आर्थिक जालसाजी, आरोप विपक्ष पर। और यहां पर इस बस पर सवार दिख रहे हैं लालटेन को थामे तेजस्वी यादव और उनके पीछे लालू प्रसाद यादव को दिखाया गया है। तो तेजस्वी यादव की बेरोजगारी यात्रा पर कटाक्ष किया है, जेडीयू की तरफ से पोस्टरबाजी हुई है। कुछ दिनों पहले जेडीयू की तरफ से यह बयान आया था कि जेडीयू विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगा, पोस्टर के जरिए नहीं। तब लगा था कि शायद पोस्टरबाजी पर, पोस्टर वॉर पर फुल स्टॉप लगने वाला है, लेकिन यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। पोस्टर वार जारी है, आज फिर एक बार देखिए किस तरीके से पोस्टर जारी किया गया है। दरअसल यह पोस्टर है वो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो राजद जो प्रतिपक्ष नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने यात्रा की बात की थी, बेरोजगारी यात्रा की बात की थी, तो वोल्वो बस से वो यात्रा कर रहे थे। पहले ही उस बस पे काफ़ी विवाद हो चुका है, तो अब जो उनके विपक्षी हैं, जो सत्ताधारी दल हैं, उनके द्वारा यह पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर में सबसे खास बात ये रहती है कि कोई दल या किसी भी पार्टी का नाम नहीं रहता है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो जरूर दिखाता है कि किस तरीके से लालू पे और उसके जो परिवार है राजद पे वार किया गया है। देखिए वोल्वो बस को एक राक्षसी रूप दिया गया है, किस तरीके से जो मुंह फाड़े हुए हैं, मुंह खोले हुए हैं, किस तरीके से जो सामने में उसे अति पिछड़ा जो वोट बैंक पे जो फोकस रहता है आरजेडी का, वो दिखाया गया है कि वोल्वो बस है वो एक राक्षसी है, और अति पिछड़ा बैंक पे बीपीएल जो बस है, जो गरीबों को जो बस है, उसको निगलने की कोशिश कर रही है। इस तस्वीर के सहारे बिहार की सियासत है वो साधी जा रही है। आर्थिक शोषण, अदृश्य अपराध का नारा इस पोस्टर पर दिया गया है। भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण, बेबसी, वो तमाम चीज़ें जो सत्ताधारी पक्ष है जो आरजेडी पे लगाती है, उन सब सामाजिक उन तमाम चीज़ों को मुद्दा बनाया गया। सामाजिक न्याय के ढोंगी ने किया अति पिछड़ा के साथ आर्थिक जालसाजी, यानी साफ सी बात है कि जो अति पिछड़ा वोट बैंक है बिहार की, उसको साधने की कोशिश की जा रही है। उसी पे जो आरजेडी है उसकी फोकस है, और उसी को कह लीजिए कि जो सत्ताधारी जो दल हैं, जो जेडीयू हैं या बीजेपी हैं, पोस्टर जिसने भी लगाया हो, तो अति पिछड़ा बैंक पे हिट कर रहे हैं। कैमरामैन सिंधु के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। तो हम बार बार कह चुके हैं कि पोस्टर वॉर में या पोस्टर लगाने में हम लोगों की कोई दिलचस्पी नहीं। पार्टी के कोई शुभचिंतक होंगे, पार्टी के जो आरजेडी के कार्यकाल से परेशान होंगे, वैसे व्यक्ति ने किसी ने लगाया, और किसी ने अपना वो भी नहीं डाला है उसमें कि किस व्यक्ति के द्वारा लगाया गया। मुझे लगता है बिहार की जनता भी सामाजिक न्याय की परिभाषा को जानती है। जेडीयू फिर पोस्टर जारी की है, मैं कहता हूँ जनता पे आप छोड़ दीजिए, आप विकास की बात कीजिए, डेवलपमेंट की बात कीजिए। सामाजिक न्याय का कौन बड़ा नेता है वो तो बिहार विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आएगा उसमें जनता बताने का काम करेगी। अभी जितने कार्यकाल आपका बाकी है, बिहार की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं के निदान की बात कीजिए। उस निदान की बात अगर करेंगे तो हम सब लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। बिहार के जो विकास जो पटरी रुक चुकी है, डिरेल हो चुकी है, उसको पटरी पर लाने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार से भी आप सपोर्ट मांगिए। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर हमला बोला और कहा है कि पोस्टर में जो लिखा गया है उसकी भावना सही है, क्योंकि 48 घंटे पूरे हो गए हैं लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं आया। अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति के नाम पर आर्थिक जालसाजी क्यों की गई? मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि जगदानंद राजनीति में शुचिता की बात करते हैं, वो बताएं ऐसी बस पर सवारी करना सामाजिक न्याय है या फिर नहीं। पोस्टर में व्यक्त की गई भावना का जिसने भी अभिव्यक्ति किया है उसके कार्य संस्कृति को सराहा जाना आवश्यक है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि 48 घंटा से ज़्यादा हो गए इस सवाल का जवाब नहीं आया कि अति पिछड़ा समुदाय का व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे है, जिसका राशन कार्ड है,
उसके नाम पर आर्थिक जालसाजी की गई राजनीति के नौ सामंत राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा। उधर मुजफ्फरपुर के बोच